दोस्तों, स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। दुनिया की सबसे खतरनाक तलवार के बारे में जानें। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे खतरनाक तलवार के बारे में। दुनिया के इतिहास में आज एक ऐसी तलवार की बात करनी है जो विख्यात और बेजोड़ थी। नाम है दमास्कस स्टील तलवार, जो मूल भारतीय शस्त्र नीति पर आधारित थी और भारत में ही बनाई जाती थी। पूरा नाम है अश-शरीफ अल-इदरिसी। ये तलवार दमास्कस तलवार के नाम से प्रचलित बनी। सीरिया की राजधानी दमास्कस में अरब लोग ये तलवार बनाते थे, लेकिन बनाने की रीत उनकी नहीं थी। इसका पहला चमत्कार 12वीं शताब्दी में दिखा, जब यूरोप के आक्रमणखोरों को इजिप्ट सीरिया के सुल्तान सलादिन की फौज ने दमास्कस तलवारों से अश्वों के साथ ही चीर फाड़ दिया। इस तलवार की धार इतनी शार्प के दुश्मन की गर्दन को बचाने वाला धातु का शीर्षस्थ भी काट दिया जाता था। इस तलवार की और एक खासियत ये कि इसे 90 डिग्री के कोने पर मोड़ा जा सकता है। इस गजब विशेषता के कारण पश्चिमी देशों के धातुशास्त्री मेटालजिस्ट्स के लिए दमास्कस एक गहन खोज का विषय बन गई, पर इसके रहस्यों की जानकारी उनके लिए हमेशा एक चैलेंज ही रही। इस प्रभावशाली फौलादी धातु को दमास्कस स्टील नाम का लेबल मिला, लेकिन ये नाम भी भ्रामक था। अंग्रेजी शब्द स्टील प्राचीन जर्मन शब्द स्टाहल से आया है, और ये स्टाहल शब्द मूल संस्कृत शब्द स्तक्ति से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रतिकार करना। लेकिन इस धातु को दिए गए गलत नाम का असली भारतीय नाम वुट्स वुट्स है। ये शब्द भी कन्नड़ भाषा के वुकुनु शब्द का अपभ्रंश है। 500 ईसा के आसपास समग्र दक्षिण भारत में उच्च स्तर के लोहे से अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। इस कवोलिटी का शस्त्र बनाने के लिए लोहे में 0.10% से 1.5% कार्बन मिलाया जाता है। इस प्रमाण से जरासी भी ऊंच नीच बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इसके साथ ही लोहे में मैगनीज, क्रोमियम, सिलिकॉन, निकल और वैनेडियम भी मिलाया जाता था। ये बात अरब धातुशास्त्री जान गए। कैसे जान गए? तो नूदनिया इतिहास के अनुसार 12वीं सदी में कई यहूदी केरल बस गए थे और वहां से तलवार बनाने की ये तकनीक अपने साथ अरब देशों में ले गए, और यहां से इस तलवार को बड़े पैमाने पर अरब में बनाया जाने लगा। इस खूंखार तलवार ने कई बस्तियां उजाड़ दी तो कई इतिहास भी बदल दिए। ये तलवार आज भी लाजवाब है। ऐसी ही एक तलवार है पूर्वी देश जापान की सामुराई, जिसे कताना भी कहते हैं। इसे 14वीं सदी से बनाया जाता है।